हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतीक ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। सो आज जो मैरिड वुमेन्स है उनका डे है, पूरे साल वो इस दिन का वेट करते हैं, और आज मेरी मम्मी ने भी करवा चौथ रखा है। सो अब घर में वाइट वॉश हो रहा है थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा सा तहस नहस हो रखा है घर। और आज मैं जॉब पे भी नहीं गई, आज ऑफिस की छुट्टी है, थोड़ी मेरा ऑफ है आज। और मेरी मम्मा आज अब तैयारी कर रही है अपनी पूजा की, सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, मम्मी तैयार हो चुकी है, और ये है मम्मी की साड़ी। ये मम्मी देखो ऊपर से नीचे तक। हेलो गाइस, आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइस बताओ मेरी मम्मा कैसे लग रही है? पूजा की तैयारी, और हम जा रहे हैं पूजा की तैयारी करने के लिए। ठीक है, ये मम्मी ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब मैं मम्मी की कथा पढ़ूंगी। और आज हमारे घर में कोई भी नहीं, जैसे कि आपको पता है, पापा गए हुए हैं, शिवानी गई है, और प्रतीक भी गया हुआ है मासी के घर, क्योंकि कल फंक्शन है वहाँ पे। सो इस वजह से सो आज हम दोनों ही पढ़ेंगे। ऐसे होती है गाइस करवा चौथ की पूजा, ऐसे मम्मी कर रही है। और किस किस के घर में ऐसे पूजा होती है प्लीज बताना। और 4 बजे की कथा सुनी जाती है। गाइस मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी भारी लग रही है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बोलो करवा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के साथ बैठे उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। गाइस ये थी करवा चौथ की कथा। वाओ बड़ी एक्साइटिंग कहानी थी। तो मम्मी ऐसी चीजें बहुत शिद्दत से करती है। आज मम्मी कैसे लग रही प्लीज बताना। अरे मेरे को लगा रहे यार। तो गाइस मम्मी को देखो सीधा काम करती है मम्मी। एक फोटो लूंगी ऐसी। अरे वो करते हुए ना, हाँ बस ऐसे देखो उधर, रुक जा। सो गाइस मम्मी का लुक आपको कैसा लगा प्लीज आप बताना जरूर। मेरी मम्मी कभी कभी तैयार होती है, मगर अच्छी लगती है तैयार होके। और रेड कलर कैसा लग रहा है मम्मी के ऊपर प्लीज? और मुझे पता है कुछ लोग तो बहुत खुश होते हैं देख के। सो जो खुश होते हैं वो तो समझ गए तो एक बार मेरी बेटिया कमेंट जरूर करना। वो मेरी सारी बेटिया खुश होती हैं। और हमारे घर में व्हाइट वॉश हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। गाइस इवनिंग का टाइम हो चुका है, और मम्मी अब इवनिंग की पूजा की तैयारी कर रही है, और चांद निकल चुका है। सो स्टार्ट हो चुकी है अब
पूजा की तैयारी। अब पापा भी आ गए, मम्मी ने बनाया खीर पूड़ी पकोड़े और कढ़ाई पनीर और वो और भी बनाई कुछ चीज़ें। फास्ट में ही मम्मी ने इतनी सब चीज़ें बना ली क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं आज इस वजह से। देखो खीर और मिठाई और ये सब चीज़ें आपको दिखनी होंगी। अब इस थाली में और भी बहुत कुछ चीज़ें आएंगी। छोटी शर्ट है साड़ी निकाली बाहर। मम्मी एक ताई को भिजवाती है क्योंकि अब दादी नहीं है तो ताई तो है ना वही बढ़िया है तो इस वजह से। ये ना गाइस बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है घर में। पापा मम्मी की पूजा हो चुकी है डन। अब हम जा रहे हैं ऊपर छत पे जो सबसे मेन चीज है क्या चांद को देखना। जो इस व्रत में सब गाइस हम छत पे आ चुके हैं और देखो वाओ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और वैसे करवा चौथ पे बिल्कुल साफ नहीं दिखाते दे देते बट अब की बार तो क्या बात है 8 बजे ही दिखाई दे रहे हैं। छन्नी दे ये लो मम्मी छन्नी जा जल जाए तो गाइस नजर लगे मेरे मम्मी पापा को और बहुत लोगों में ऐसा नहीं होता होगा बट मेरी मम्मी शुरू से ऐसे ही करती है। और आज 2 राक्षसों को मैं मिस कर रही हूँ वो बोसी के पास है कोई नहीं। जय चन्ना मामा। ये क्या है मैंने पहले नोटिस नहीं करा है सब लोग अभी मम्मी कैसे लगी प्लीज सब बताना। अच्छी लग रही है ऑब्वियसली पापा ये
फ्रेंड्स, देखो लोगों को कितनी खुशी हो रही है क्योंकि सुबह से जो लोग पहली बार मम्मी सिर्फ एक दिन पापा के पैर छूती है। हाँ चलो अब फोटो खींचो एक। खाना मत दो मम्मी को एक टाइम को, मगर मम्मी पानी के बिना नहीं रह सकती। खड़ा वाला फोटो खींचूंगी एक चंदा के मामा के पास। गाइस हम लोग अपनी पूजा करके आ गए, जैसे कि आपने देखा। अब मम्मी को पापा खाना खिलाएंगे क्योंकि पापा के लिए तो व्रत रखा है मम्मी ने, पापा को लंबी उम्र देने के लिए। साल में सिर्फ एक बार मम्मी को पापा को इम्पोर्टेंस देती है, बाकी और दिन मम्मी को इम्पोर्टेंस नहीं देती पापा को, सिर्फ करवा चौथ पे। व्रत मम्मी दे पापा का नहीं है। किसका है? पापा के लिए तो व्रत रखा है। तो व्रत तो तुमने रखा है ना। हाँ क्यों, फिर क्या है पापा, मुझे तो मिठाई दे दो तुम, बस रहने दो, खीर पूड़ी नहीं खानी मुझे। गाइस सबके मम्मी पापा ऐसे रहे, और जितने भी न्यूली मैरिड है उनको हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि उनका पहला करवा चौथ होगा। पहला करवा चौथ की बहुत एक्साइटमेंट होती है, और मेरी मौसी को भी बहुत एक्साइटमेंट रहती है करवा चौथ की। अब इस वीडियो के बाद आप देखना कि मेरी मासी ने कैसा करा और वो कैसी लग रही है, अब आप देखना। ओके सो अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लिप में। अब आप देखो लोनी का वीडियो, हमारी वीडियो समाप्त।